देखिए आज जहाँ जिंद्रा देवक स्थान है, भगवान शंकर का बड़ा प्राचीन मंदिर है, जहाँ से ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो शुरू करवाया गया, इसकी लागत जो है तकरीबन 10 लाख के करीब करीब लागत इसकी जो है वो रहेगी। जो जहाँ से लेके आगे हमारी जो जो बैलेंस वर्क जो बचता है जो ब्लैक टॉपिंग का, तकरीबन जो है चक्का मंडी तक, वहाँ तक जो ब्लैक टॉपिंग का काम होगा। और जो देवक में जो भी स्थान अभी पड़ा हुआ है जहाँ ब्लैक टॉपिंग कभी नहीं हुई, वहाँ पे आज जो है जो RBM भी डालेंगे, कंकरा का काम भी होगा, उसके बाद जहाँ पे ब्लैक टॉपिंग होगी, ताकि हमारा शिव मंदिर देवक जो है जहाँ वो सारी जगह जो है वो साफ सुथरी रहे, अच्छी रहे। ये मुबारकबाद में तमाम जिंद्रा के बुज़ुर्गों को, मोजिज लोगों को, सभी को, नौजवानों को, मातृशक्ति को, सभी को देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं जिंद्रा वासियों की वजह से मुझे ये ताकत मिल पाई है कि मैं तकरीबन हर 10 दिन के बाद, हर महीने के बाद कोई ना कोई बड़ा काम जो है वो जिंद्रा में करवाने के लिए जो है वो मैं अग्रसर रहता हूँ। जहाँ जिंद्रा के अंदर पहले भी हम लोगों ने ब्लैक टॉपिंग का काम करवाया, जहाँ मेन रोड से लेके सीगाला तक जो रोड थी उसका काम करवाया, उधरा की डेवलपमेंट के लिए हम लोग अग्रसर हैं, चाहे वो लेन एंड ड्रेन का काम हो, चाहे वो बिजली इलेक्ट्रिक पोल का काम हो, चाहे वो PHE के संबंधित काम हो, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट हमने जो है जहां जिंद्रा के अंदर लाए हैं और काम इस वक्त जो है चल रहे हैं। जिंद्रा के वासी जो हैं इनकी बड़ी ही खुशकिस्मती है कि जिनको इस प्रकार का सरपंच मिले हैं वो, और मैंने देखा कि अब तो हम भी जिंद्रा में आ गए हैं, हमारे लिए भी खुशकिस्मती है। पहले भी सीगाला से लेकर जिंद्रा तक आया, जिंद्रा से लेकर इन्होंने ये अंबू जो है एक हमारा आम का पेड़ उधर तक आया, उधर से लेकर दोबारा अब इन्होंने ये हमारे शिव शंभू जो हैं जिंद्रा देवक में यहाँ से लेकर चक्का मंडी तक चलाया। जितना काम हमारे अनिल शर्मा जी सरपंच जो हैं इन्होंने लाया है, शायद इसके बाद भी कोई ना कर सके, मैं तो ये समझता हूँ। इनका गांव को जितना फायदा है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ, मैं तो लोगों से भी दुआ करता हूँ कि ऐसे सरपंच जो हैं वो बार बार हमारे इस इलेक्शन में जीते और बार बार इस जिंद्रा की जो है वो तरक्की तमीरों तरक्की के को चार चांद लगें।